दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम, और आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। आज है हमारे प्यारे से हनुमान जी का बर्थडे, तो भाई सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, तो भाई देखिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, रघु कह रहा है काला बाबा के डंडा मारते हैं हनुमान जी, है ना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये लिख रहे हैं राम नाम। हेलो। तो क्या कर रहे हो भाई, बता दो थोड़ा सा। ऐसे ना ये पीपल के जो पत्ते हैं ना, इन पे भगवान का नाम लिख रहा हूँ, राम राम राम। और इसकी माला बनाएंगे ये। और इसकी माला बना के और फिर हनुमान जी को पहनाऊंगा। आज हनुमान जी को खुश करने वाले हैं ये। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय जो होता है ना, वो राम राम नाम का होता नाम है। होता है राम का नाम। ये सब लिख रहे हैं और अब ये माला बनाएंगे। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो चलिए पूजा करने जाएंगे, तो अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। देखिए भाई हमारी माला बन करके तैयार है, राम नाम वाली। ये देखिए राम राम राम। इसके पत्ते कुछ उलट पलट हो रहे हैं क्योंकि कि इन्होंने इस तरह से बांध बांध के बनाई है ना। तो ये अभी अब जब बालाजी को पहनाएंगे तब सीधी कर देंगे ये वहाँ पर ना। हाँ, ये राम का नाम लिख दिया है इन्होंने। वेरी गुड, पहली बार बनाई है इन्होंने माला। ट्राई करा इस बार बना करके, देखा बनती है नहीं। चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए, और पूजा तो खैर यही करेंगे क्योंकि हनुमान जी की पूजा जैन सी करते हैं। और आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी भक्त हैं हनुमान जी के, उन्होंने पूजा कर रखी है बालाजी की। और हमने मैंने मतलब सुबह ही इनसे बोल दिया था कि आज हनुमान जन्मोत्सव है, सॉरी मतलब हनुमान जयंती निकल जाता है मुँह से गलती से, पर हनुमान जन्मोत्सव ही बुलाना चाहिए। और पूजा के लिए जो जो भी चीज़ें चाहिए वो लेके आ गए थे ये, जैसे कि प्रसाद और फूल माला, और ख़ास तौर से एक स्पेशल माला आज राम नाम की इन्होंने बनाई है पहली बार वो, और सिंदूर, जो भी मतलब पूजा के सामान होते हैं ना ज़्यादातर, वो सब ये लेके आ गए थे। और अब यहाँ पर ये चंदन वगैरह लगा करके भगवान जी की अच्छे से पूजा कर रहे हैं। और ख़ास तौर से फल भी लेके आए थे क्योंकि हनुमान जी को फल भी अति प्रिय है। तो यहाँ पर देखिए जो प्यारी सी माला इन्होंने बनाई है, ये अब हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। और ये वाकई में पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी बालाजी के ऊपर। और ये एक गुलाब की माला भी लेके आए थे, तो कहते हैं कि गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को बड़ी प्रिय है, तो इसलिए हमने यहाँ पर चढ़ाई है भगवान जी के। और ये देखिए ये मोती चूर वाले जो लड्डू होते हैं ना, वो लेके आए थे प्रसाद में, और चने और गुड़ का भी ख़ास तौर से हम लोगों ने भोग लगाया था क्योंकि बालाजी को चने और गुड़ का विशेष महत्व होता है चढ़ाने का, तो फिर वो हमने वो भी चढ़ाया था। और ये हनुमान जी के प्रसाद लड्डुओं का भी लगा दिया है, और यहाँ पर ये रघु को भी बुला रहे थे आरती करने के हिसाब से। और अभी आपको मिष्टी नहीं दिख रही होगी क्योंकि मिष्टी गई है स्कूल, उसकी छुट्टी नहीं है आज की, तो उसको मैंने स्कूल भेज दिया है, वो अभी 2 बजे तक ही आएगी। और रघु देखिए आरती कर रहा था, इसके बाद हम लोग कर लेंगे यहाँ पर कपूर आरती, और फिर मैं चली जाऊँगी घर पर, ये थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। आज है पूर्णिमा, तो मेरे तो है व्रत, और मैंने खाने में बनाया है ये आलू की सूखी सब्जी और पराठे, सिंपल सा खाना बनाया है इनकी पसंद का, क्योंकि इन्होंने ही मुझसे बोला था कि मुझे आलू की सब्जी खानी है सूखी वाली और पराठे खाने, तो वो मैंने इनके लिए बना दिए। मैंने थोड़ा सा फलाहार ले लिया है मैंने। तो अभी का काम मेरा पूरा फ्री हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के पास में है बालाजी का मंदिर, तो वहाँ पे दर्शन करने, मतलब जहाँ पर हमने पूजा करी वो तो हमारी गली में ही है, उस मंदिर में हमने पूजा कर ली है। और अभी हम करने जा रहे हैं दर्शन बालाजी के, क्योंकि क्या आज हनुमान जयंती है, तो जगह जगह बहुत सारे उत्सव भी होंगे, सुंदरकांड वगैरह भी होंगे, पाठ भी होंगे, पर मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि जाना इनको ऑफिस, तो फिर ये लगा कि भाई अभी चली जाती हूँ। और अभी टाइम हो गया है 1:45 बज गए ना, पौने एक बज चुका है अभी, और मिष्टी आ जाएगी 2 बजे, तो उससे पहले जा करके आ जाते हैं कि भाई वो आए उससे पहले हम आ जाए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से दर्शन कर आते हैं आज। तो हम लोग आ गए हैं धेलावास के बालाजी के मंदिर, ये हमारे घर से थोड़ी सी दूर पर है, मतलब इतना पैदल चल के नहीं जा सकते, बाइक से जाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं मंदिर में कितनी सुंदर सजावट हो रही है, काफ़ी सारे बलून्स वगैरह से सजा हुआ है, और आज हनुमान जन्म उत्सव भी है, तो इसके चलते मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी से रौनक हुई रहती है। और यहाँ पर ना भजन संध्या वगैरह का भी प्रोग्राम है शायद, तो सुबह से ही प्रोग्राम चल रहे हैं, रात तक चलेंगे। और आप सुनिए अच्छी सी आवाज़, एक मधुर आवाज़ आती है मंदिर में जाते हैं जब भी हम,
और देखिए सुंदर से छोटे से प्यारे से बालाजी हैं ये। यहाँ पर अभी 56 भोग का प्रसाद भोग आ रहा है भगवान जी के। और आप देखिए ना, गौर करेंगे ना तो यहाँ पर ना बालाजी के आगे एक केक भी रखा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो दिखने में। तो बस अभी हम लोग भी प्रसाद वगैरह भोग लगा देंगे और अच्छे से दर्शन कर लेंगे। और काफ़ी सारा चेंज हो गया है मंदिर, मतलब इस मंदिर में ना काम चलता ही रहता है। ये जो सीता राम जी की प्रतिमाएँ हैं ये नई रखी गई हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने इससे पहले, मतलब मैं जब लास्ट टाइम आई थी जब ये नहीं थी। और बस अब मैं अच्छे से ढोक वगैरह दे लूँगी, दर्शन कर लूँगी। और जब से मैं इस मंदिर में आई हूँ ना, तब से ही देख रही हूँ कि ये मंदिर में मतलब काम चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। और देखिए कितनी अच्छी सजावट हो रखी है, और रात में तो यहाँ पर देखना और अच्छी सजावट हो जाएगी। और यहाँ पर अभी चल रहे हैं भजन, तो आप लोग भी सुन लीजिए भजन थोड़े मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं अब घर पर, क्योंकि मिष्टी आ जाएगी, ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते हैं, तो बस घर पे जाएंगे। देखिए हमारी मिष्टी आ गई है स्कूल से, अभी 2 बज चुकी है और जस्ट मिष्टी आई है, और मिष्टी के लिए एक सरप्राइज़ है। अभी हम गए थे मंदिर, और मंदिर में गए थे, फिर हम लेके आए मिष्टी के लिए एक सरप्राइज़। तो अभी आप चेंज कर लो पहले, फिर देते हैं, ठीक है। और मिष्टी के स्कूल वापस खुल चुके हैं, तो मिष्टी जाने लगी है स्कूल। तो ये देखिए भाई हमारी मिष्टी का पाइनएप्पल जूस, मिष्टी के लिए सरप्राइज। टेस्ट करके बताओ, पूरा पी जाना और सो टेस्टी क्या होता है, अच्छा लगा, यम्मी यम्मी। चलो भाई पी लो अच्छे से जूस। तो यहाँ पर मिष्टी पी रही है अपना जूस, और इसी के साथ अपने वीडियो को भी कर देती हूँ फिलहाल यहीं पर एंड। अब आपको लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय कर दो मिष्टू, बाय।